गरियाबंद जिले के राजिम में चुनावी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक बैज पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भगदड़ को दीपक बैज रोक नहीं पा रहे हैं। रोज हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में दावा किया था कि अब की बार 75 पार हवा निकल गई थी, फिर हवा निकलने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शून्य पर आउट होने वाली है। लोकसभा की टिकट उनकी काटी और आज कांग्रेस पार्टी के भगदड़ को दीपक बैज रोक नहीं पा रहे हैं। रोज हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था अब की बार 75 पार हवा निकल गई थी, फिर हवा निकलने वाली है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी शून्य में आउट होने वाली। 10 मार्च के वही गरीब मां के बेटा नरेंद्र मोदी एक बटन दबाइस और 70 लाख दीदी बहनी मनला उनकर खाता में 1-1 हजार रुपया दे के काम हुई। कौन कौन पाए हो जरा हाथ उठाओ तो, कौन कौन पाए हो? अरे दादर जम्मो जन पाएगा। ओहो, एक बार जोरदार ताली बजाओ सब जन। मन हल्ला कर रहे थे चुनाव बाद नहीं मिले, ये मन ना झूठ बोले बा फां फैलाए मिकर मास्टरी है। ये मोदी के गारंटी है, मोदी जी चालू करे है जब तक हम सरकार में रही वो इधर पैसा ला कोई माइक के लाल में दम नहीं है तो हर पैसा ला रोक सके, कोई माइक के लाल में दम नहीं है। वादा करे रहन 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदबो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदबो, 24,70,000 किसान के खाता में 13,320 करोड़ रुपया 12 मार्च के किसान के खाता में चले गए। वाह रे कांग्रेस पार्टी, 2500 रुपया देवो कह रही, 4 किस्त में दे, चौथा किस्त में कटौती करे, चौथा किस्त में कटौती करे, करे रही इसके नहीं करे रही से जोर से बोला। खाद ला महंगा कीमत में बेचत रही इसके नहीं बेचत रही, वर्मी कंपोस्ट खरीदे पर मजबूर करत रही इसके नहीं करत रही से, किसान के साथ अन्याय होत रही नहीं होत रही से। और मोदी के गारंटी 1 मुश्त मिली इसके नहीं मिली, जोर से बोले मिली इसके नहीं मिली, कौन कौन पाए हाथ उठा लो, सब ला मिल गए, एकदम भारी पैसा पाया हुआ दादा।